दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव दवाई पुनर्नवारिष्ट के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अभी जो पुनर्नवारिष्ट है आयुर्वेद की एक क्लासिकल दवाई है, यानी इसको आयुर्वेद की ज़्यादातर कंपनियाँ बनाती है, बहुत सारी कंपनियों को आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, और किन किन परेशानियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, और कितने में आपको मार्केट में मिलता है, और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका जो उपयोग है दोस्तों, यकृत से जुड़े रोग, तिल्ली यानी स्प्लीन का बढ़ जाना, सामान्य दुर्बलता, हृदय रोग, कब्ज, पेट फूलना जैसी समस्याओं में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसके अंदर दोस्तों पुनर्नवा, जिसे सांठी भी कहते हैं देसी भाषा में, और ये दो तरह का होता है, यानी पुनर्नवा जो है सफ़ेद होता है और ये लाल होता है। तो दोनों तरह के जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर बला, अति बला, पाठा, वासा, गिलोय, चित्रक, कंठकारी और पुराना गुड़ और दारचीनी और इलायची के जो है इसे मिश्रण से इसे अरिष्ट बनाने की जो विधि है आयुर्वेद की, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। यह जो सबसे इसका जो मेन काम है वो पेट रोगों की दवाई है, जैसे कि यकृत से जुड़े रोग, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया तिल्ली, स्प्लीन का बढ़ जाना और इस तरह की जो समस्याएं, कब्ज होना, पेट फूलना जैसी समस्याओं में इसका बेजोड़ रिजल्ट देखने को मिलता है। यह पेट रोगों की बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव दवाई है। कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है, और कब्ज होने से ही पेट फूलना जैसी समस्या, गैस बनना, खट्टी डकार, बदहजमी, इस तरह की समस्याएं पैदा होती है। पेट प्रॉपर तरीके से जब साफ़ नहीं होता तो ये परेशानियाँ होती है, तो ये पेट को साफ़ करती है, पेट में जो कब्ज बनने की जो समस्या है उसको ये ठीक करती है, पेट फूलने की परेशानी को दूर करती है, अपचन जैसी शिकायत को दूर करती है। इसके अलावा इसका एक जो मेन काम हुआ पीलिया, यानी जिन मरीजों में पीलिया होने की शिकायत है और तो उसको ये दूर करती है। पीलिया में भी बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। कई बार दूसरी सहायक दवाइयाँ पीलिया में इसके साथ में चलाई जाती हैं, लेकिन जो है पीलिया में अच्छा काम करती है, फैटी लीवर को दूर करती है, और एक तरह से ये लीवर टोनिक की तरह से ये काम करती है, यानी लीवर टोनिक जैसा ही काम करती है, और साथ में पीलिया पर तो इफेक्टिव काम करती है। और पानी अगर जमा हो गया शरीर के अंदर, यानी सूजन वगैरह जैसी समस्या हो गई है, तो उसको ठीक करती है। पुराना बुखार जिन मरीजों में, या बार बार बुखार होने की समस्या जैसी परेशानियों में इसका इस्तेमाल होता है। और पेशाब रोगों में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, खासतौर से जब लीवर ख़राब होता है तो पेशाब की समस्याएँ कई बार आती हैं, पीलिया होने पर भी पेशाब पीलाने लगता है, इस तरह की समस्या होती हैं, बार बार पेशाब आना, पीला पेशाब आना, जलन के साथ पेशाब आना जैसी समस्या होती है, तो उसमें काम करती है। पेट रोगों में अच्छा रिजल्ट है, पेट में दर्द रहना, मतली होना, उल्टी होना, या उल्टी होने को मन करता रहना, इस तरह का जो की समस्या, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा खून की कमी है तो नॉर्मल खून की कमी को दूर करती है, भूख ना लगना, स्प्लीन का बढ़ावा होना, और ये इसके कुछ पेट रोगों के काम है। इसके अलावा इसे हृदय रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, बवासीर जैसी समस्या में इस्तेमाल किया जाता है, दमा रोगों में और कुष्ठ रोगों में इस्तेमाल किया जाता है, और शरीर की खुजली या पित्त रोग में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भगंदर, बवासीर जैसी परेशानियों में, और श्वास रोगों में, और संग्रहणी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके कुछ काम है जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी वैद्य हकीम लोग अपने तजर्बे के आधार पर बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी सहायक दवाइयों के साथ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके कुछ काम है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जो है तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो 10 से 25 ml तक इसको दिन में दो बार खाना खाने के बाद में ताजे पानी के साथ में, यह पानी के में मिक्स करके इसको ज़्यादातर लिया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों कितने में मिलता है। तो बैद्यनाथ का आपको जो पैक मिलता है 450 ml का, 165 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। डाबर का भी मिल जाएगा आपको, वो 450 ml का 170 रुपये मिल जाएगा। बाकी और भी कंपनियाँ इसको बनाती हैं, काफ़ी सारी कंपनियों का आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा पुनर्नवारिष्ट के बारे में। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।